इन दिस एग्जाम्पल ये हमें ये बोल रहा है ए प्लेयर थ्रोज ए बॉल अपवर्ड विद ए इनिशियल स्पीड ऑफ ट्वेंटी फोर मीटर पर सेकेंड उसके बाद ये चार ऑप्शन दिए हैं तो मैं एक एक ऑप्शन को पहले एनालाइज करेंगे और यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको इसका थोड़ा बेसिक बताऊंगा कुछ हमारे पास काइनेमेटिक्स के फंडे होते हैं वो फंडे अगर आप लोगों को क्लियर होंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी इस टाइप की एग्जाम्पल करने में देखिए ध्यान से मान लीजिए ये कोई ग्राउंड है अगर इस ग्राउंड से अगर आप किसी चीज को कोई बॉल है जैसे ये बॉल को थ्रो कर रहा है बाल ही ले लेते हैं हम लोग ये 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 बॉल को इसने थ्रो किया सम इनिशियल के साथ तो पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो काम कर रहे हैं हम लोग वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ ठीक है तो जी की वैल्यू विद हाइट हम लोग चेंज नहीं करेंगे वही मानेंगे कॉन्स्टेंटली और यहां पे इसने बोला है कि एयर रेजिस्टेंस भी आप लोगों को नहीं लेनी है तो बच्चे जैसे ये ऊपर जाएगा सिंपल है अब जब बाल ऊपर फेंकते हो आप लोग तो किसी टाइम के बाद वापस वापस आता है ना तो तभी आएगा जब वो पलटी मारेगा मतलब उसकी कहीं ना कहीं पे जीरो ही होगी और जब आपने इसको कुछ इनिशियल दी जैसे इस केस में आपने दी है ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड जब इसको ऊपर की तरफ फेंका आपने ऊपर की तरफ दी ऊपर जाते जाते इसकी विलासिटी डिक्रीज होगी क्यों डिक्रीज होगी क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां पे जी लग रहा है

जो आने में इसको टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट तो टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू तो टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होगा इस केस में जब हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करेंगे तो ये चीज पहली अब देखो ऊपर कोई चीज फेंकते हैं तो वापस आती है ना क्यों आती है क्योंकि हाइएस्ट पॉइंट ये इसका हाइएस्ट पॉइंट होगा हाइएस्ट पॉइंट पे इसकी विलासिटी कितनी हो गई है जीरो अब जाते हुए भी इसकी जी की वैल्यू नीचे की तरफ होगी डाउनवर्ड और आते हुए भी जी की वैल्यू नीचे की तरफ होगी डाउनवर्ड यहाँ जी में पॉजिटिव और नेगेटिव में आपने कंफ्यूजन नहीं रखनी है जी को आपने पॉजिटिव कब लेना है नेगेटिव कब लेना है वो डिपेंड करेगा कि जी अगर हेल्प कर रहा है आपकी विलासिटी को इंक्रीज करने में तो आपकी पॉजिटिव एक्सलेशन होगी अगर जी आपकी विलासिटी को डिक्रीज कर रहा है तो आपकी नेगेटिव एक्सलेशन होगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई फंडा नहीं है यहाँ पे

यहां पे ऑप्शन ए में जो एक्सेलेशन है आपके पास एक्सेलेशन किसके बराबर है जी के बराबर और जी की जो डायरेक्शन है वो क्या है डाउनवर्ड तो डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन है ये आंसर आ गया हमारे पास फर्स्ट दूसरा क्या बोल रहा है वर्ड आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलेशन ऑफ द बॉल एट द हाइस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन जब ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा कोई चीज आप अपने हाथ से ऊपर की तरफ फेंकते हो किसी हाइट तक जाता है फिर वापस आता है जहां तक वो जाएगा वो उसकी हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट पॉइंट होगी जब बच्चे पे होगा तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू तो जीरो होगी ना तभी तो पलटी मारेगा यहां से तो ऑप्शन बी में आपके पास क्या वट आर दिलास एंड एक्सलेशन तो विलॉसटी एट हाइएस्ट पॉइंट ये कितनी होगी हमारे पास जीरो और एक्सेलेशन एक्सेलेन एट हाइएस्ट पॉइंट ये कितनी होगी जी के बराबर ही होगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही तो ऑप्शन बी भी हो गया अब यहां पे ध्यान देना आपने थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है चूज द एक्स इक्वल टू जीरो मीटर एंड टी इक्वल टू जीरो सेकेंड लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट द हाइएस्ट पॉइंट मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट है आपके पास यहां पे इस हाईएस्ट पॉइंट को ये बोल रहा है यहां पे आप लोगों ने इसको यहां पे आपने एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है जीरो और टाइम कितना मानना है जीरो उसके बाद क्या बोल रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन यहां से जो नीचे की तरफ डायरेक्शन होगी उसको आपने पॉजिटिव लेना है डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेना है पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस एंड गिव्स द साइन ऑफ पोजिशन आपको यहां पे पोजिशन का साइन बताना है velocity का साइन बताना है और एक्सलेशन का साइन बताना है कब जब बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है और जब बॉल नीचे की तरफ आ रहा है तो यहां ध्यान दें अगर मैं इसका देखता हूं पहले ड्यूरिंग अपवर्ड ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन जब इसका अपवर्ड मोशन हो रहा है यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेना है आपने पॉजिटिव जब अपवर्ड मोशन हो रहा है देखो अपवर्ड मोशन हो रहा है जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा तो पोजिशन यहां तक तो जीरो है ना यहां से ऊपर तो नहीं जाएगा इसके ऊपर जाएगा तो नेगेटिव आएगा तो पोजिशन यहां तक जो भी वैल्यू होगी उसकी पॉजिटिव ही आएगी तो यहां पे पोजिशन बोले तो एक्स बोले तो पोजिशन ये क्या होगा आपके पास पॉजिटिव पोजीशन हो गया अब वेलोसिटी में ध्यान देना आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है यहां पे यहाँ पे जो वेलोसिटी है आपके पास वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में तो अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है हमने तो अपवर्ड डायरेक्शन आपके पास क्या जाएगी आ जाएगी यहाँ पे नेगेटिव ये पॉजिटिव आ गई पोजीशन और वेलोसिटी आ गई नेगेटिव और यहां पे जो एक्सेलरेशन है आपके पास जिसकी वैल्यू g के बराबर है वो किस डायरेक्शन में है डाउनवर्ड और यहां पे आपने बोल के किया है कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेना है आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ये आपके पास ये वैल्यू भी क्या होगी पॉजिटिव क्यों क्योंकि जी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसके बाद क्या बोल रहा है ये ये तो आ गया आपके पास ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन अब अगर हम लोग यहां पे एनालाइज करें इसका डाउनवर्ड मोशन तो जब डाउनवर्ड मोशन हो रहा है देखें ध्यान से During downward motion, downward motion में क्यों downward motion है तो इससे नीचे ही रहेगा बाल और इससे नीचे x क्या होगा आपके पास positive तो यहां पे position की value क्या आएगी इस case में भी position आपके पास आ जाएगी positive position होगी आपके पास positive अब पोजिशन पॉजिटिव है और यहां पे अब जो है आपके पास विलास्टी की डायरेक्शन कहा है डाउनवर्ड क्योंकि बॉल अब नीचे की तरफ आ रहा होगा यहां से अगर ये डाउनवर्ड है तो क्या लोगे आप लोग यहां पे अब पॉजिटिव और बची आपके पास एक्सेलेशन इक्वल टू जी के बराबर है और जी ऑलरेडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये भी आपके पास आ गया पॉजिटिव तो ये आपके पास पोजीशन uh, विलास्टी और एक्सेलेशन की डायरेक्शन आ गई जब आपका बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसके बाद इसने नेक्स्ट क्या पूछा है हमें बोल रहा है टू वट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड कहने का मतलब है आपने अपने हाथ से जब बॉल फेंका तो कितनी हाइट तक जाएगा मैक्सिम हाइट मतलब आपको ये हाइट निकालनी है एच ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है और दूसरा क्या बोल रहा है आपने बॉल फेंका ये हाइट तक गया उसके बाद वापस आया दोबारा आपने कब कैच किया मतलब तो इसको आपको टाइम ऑफ असेंट भी निकालना है और टाइम ऑफ डिसेंट भी निकालना है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है आपने क्या निकालना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो देखिए इसको दूसरी स्लाइड पे देखते हैं हम लोग ये कंडीशन है हमारे पास यहां से जब कोई चीज आप ऊपर की तरफ फेंकते हो और इसने बताया हुआ है ये जो बॉल इसने थ्रो किया है इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है इसने 29.4 इसको इनिशियल वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकंड से फेंका है और ये बॉल ऐसे जाएगा यहां से फिर ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी फिर ये वापस नीचे आएगा वेलोसिटी जीरो क्यों होगी क्योंकि नीचे की तरफ इसको एक्सेलरेशन लग रही है 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 ना तो 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 ये आपको आपको निकालनी निकालनी और निकालना मैंने के kinematics के बताए हुए का क्या है? कि अगर किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो तो जाने वाला रास्ता और आने वाला रास्ता बराबर दूसरी बात उसको कितना टाइम लगेगा वो हम देख लेते हैं मान लो ये टाइम ऑफ असेंट मैं निकालता हूं यहां से लेके यहां तक तो टाइम ऑफ असेंट इनिशियल कितनी है यू दी हुई है तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लगा लो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी ए वाली इक्वेशन आ गई अब यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है आपके पास v की वैल्यू है फाइनल इनिशियल कितनी दी आपने 29.4 ठीक है 29.4 आपके पास आ गई इनिशियल वेलोसिटी और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक्सेलेशन एक्सेलेरेशन का रोल कौन प्ले कर रहा है g और g कहां है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ठीक है डाउनवर्ड डायरेक्शन का अपवर्ड डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है आपने क्योंकि आपकी जो स्पीड है वो कम हो रही है तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है जहां पे जो g है वो रिटार्डेशन का काम कर रहा है तो यहां पे g की वैल्यू क्या लेनी है आपने माइनस तो माइनस g आपके पास आएगा नाइन पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टाइम ऑफ असेंट तो ये टाइम ऑफ असेंट का ये तो बाद में हम सॉल्व करेंगे पहले मैं आपको जनरल फार्मूला बता देता हूं आप लोगों को हेल्प आएगी उसमें देखिए हेल्प करेगा आपको v इज टू u प्लस ए टी तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो है इनिशियल वेलोसिटी u माइनस g टाइम ऑफ असेंट तो टाइम ऑफ असेंट होगा आपके पास u बाई जी ये u बाई जी वो टाइम है जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा है तो उसके वापस आने में भी उतना टाइम लगेगा तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट t वो किसके बराबर होगा ट्वाइस ऑफ दिस टू यू जी के बराबर ये वो टाइम होता है मतलब आपने कोई चीज फेंकी है और तो कब तक वो हवा में रही है जब तक आप जब जिस टाइम पे आपने हाथ हाथ में अपने से फेंकी और दोबारा जब आपके हाथ में आई वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है और दूसरा क्या है मैक्सिमम हाइट निकालना है तो मैक्सिमम हाइट देखो मैक्स निकालना है तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी आपके पास जीरो है और आपको निकालना है एच मैक्स तो यहाँ पे अगर आप लोग क्या बोलते हैं थर्ड इक्वेशन लगाओ स्पीड की वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए तो यहाँ पे वी स्केयर तो आपके पास जीरो है यू स्केयर माइनस लोगे क्योंकि यहाँ पे जो g की वैल्यू है वो विलास्टिक को कम कर रही है रिटार्डेशन का, का काम कर रही है तो टू जी एस की जगह हम लिख देंगे h मैक्स तो h मैक्स का वैल्यू आपके पास आ जाएगा यू स्केयर अपान टू जी किसी चीज को जब आप फेंकते हो किसी इनिशियल के से तो उसकी जो मैक्सिम हाइट होती है उसका ये formula, ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद होने चाहिए H u 2G, और light, t बोला है उसने तो मैक्सिम हाइट एच मैक्स किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास यू स्केयर अपॉन टू जी यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 29.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 9.8 जब इसको हम लोग सॉल्व uh, करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 44.1 मीटर ये वो हाइट है जो मैक्सिमम हाइट तक ये बॉल जाएगा दूसरा हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होगा t is equal to 2 u की वैल्यू है हमारे पास 29.4 डिवाइडेड बाय g हम लेंगे 9.81 तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है वो आता है मतलब के बाद तो तो तो, आप और, और टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट सेक्ट किया है दूसरा उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टू यू बाई जी आएगा तीसरी चीज मैक्सिमम हाइट एच इज इक्वल टू यू

तो ये पूछेगा आपको कि इसको कितने टाइम में ये को स्ट्राइक करेगा तो वो टाइम कैसे मिलेगा आप लोगों को यहां पे अगर आप लोग है प्लस वन बाई टू ए का रोल प्ले कर रहा है यहां पे जी और जी को आप पॉजिटिव लोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉल भी नीचे की तरफ आ रहा है और जी भी नीचे की तरफ है यहाँ पे आ जाएगा gt2 तो t आपके पास आ जाएगा 2h g ये फंडा भी आपको याद होना चाहिए कि अगर किसी भी हाइट से कोई चीज आप ड्रॉप करते हो तो कितना टाइम लगेगा ग्राउंड में उसको पहुंचने के लिए और एक इसके साथ और ऐड कर देते हैं हम लोग अगर किसी हाइट से कोई चीज अगर आप लोग ड्रॉप कर रहे हो ये चीज अगर आप ड्रॉप कर रहे हो h हाइट से तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने 0 दी है तो ये आपको बोलता है कि कितनी वेलोसिटी से जब ये इस पॉइंट पे होगा इसकी विलॉसिटी कितनी होगी जब ये इस पॉइंट पे होगा इसका टाइम कितना होगा तो विलॉस कैसे मिलेगी यहाँ पे अगर आप लोग थर्ड इक्वेशन लगाओ वी स्क्वल की वैल्यू नीचे की तरफ है और जी को आप लोग पॉजिटिव लोगे क्योंकि बॉल भी नीचे आ रहा है और एक्सलेशन भी नीचे की तरफ है बॉल नीचे किसकी वजह से आ रहा है जी की वजह से ही तो आ रहा है जैसे आप ड्रॉप करते हो उसको तो तो इसकी फाइनल विलासिटी आपको निकालनी है इनिशियल है इसकी तो फाइनल वेलोसिटी आएगी 2g h तो v आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2g h के बराबर ये आपको आपने देख लिया काइनेमेटिक्स के फंडे ये आपको याद होने चाहिए बच्चे पहला आपको ने देखा टाइम ऑफ फ्लाइट t होता है 2u by g के बराबर दूसरा मैक्सिमम हाइट ये होता है u स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर थर्ड आपने देखा अगर किसी हाइट से कोई चीज ड्रॉप करते हो तो कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पे पहुंचती है 2h g और लास्ट में आपने देखा वेलोसिटी कि, कि, किस किस वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करता है वो होता है टू जी एच और इसके साथ एक चीज और याद रखना कि अगर जब बॉल ऊपर जा रहा है इस तरह से जब वापस आ रहा है इस तरह से तो यहाँ पे हिस्ट्री बिफोर एंड मै, आफ्टर मैक्सिमम हाइट ये एच मैक्स है हाईएस्ट पॉइंट है इससे पहले पहले जो 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 काम जाते हुए होंगे वही काम आते हुए होंगे मगर डायरेक्शन अपोजिट होगी मान लो इस पोजिशन को एनालाइज कर रहा हूं मैं अगर इस पोजिशन पे मुझे इसकी विलासिटी बतानी होगी तो इस पोजिशन पे अगर इसकी विलासिटी ये ऊपर जा रहा होगा अगर मान लो वी है तो इस टाइम पे इसकी विलासिटी ये नीचे की तरफ होगी वी मतलब जो जो काम जाते हुए होंगे जो जो इवेंट्स जाते हुए होंगी कहां तक हाईएस्ट पॉइंट तक वही इवेंट होंगी आते हुए हाईएस्ट पॉइंट से नीचे मगर इन अपोजिट डायरेक्शन तो ये काइनेमेटिक्स के फंडे आपको प्रोजेक्टाइल में भी हेल्प करेंगे डायरेक्ट हेल्प करेंगे आप लोगों को ये आपके टिप्स पे होने चाहिए तो यहाँ पे आपने ये फिर इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि कौन सी कौन सी इक्वेशन लगानी है तो ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट आपको याद होने चाहिए एक दो बार लिख लें आप लोग तो आपको ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट याद हो जाएंगे